तो गाइस ये है मरीन ड्राइव, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। अगर आप लोग मुंबई आते हैं और आप मरीन ड्राइव नहीं आए तो आपने कुछ नहीं किया। आप व्यू देख सकते हैं, सो अमेजिंग व्यू गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत सुकून की जगह है गाइस, ये मुंबई में सबसे ज़्यादा सुकून की जगह है। और गाइस ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि आप लोगों को पता है। और गाइस ये है इंडिया का पहला 5-स्टार होटल, जो कि ताज होटल। इसके ऊपर काफ़ी सारी हिस्ट्रीज हैं, मूवीज़ बनी हैं। और गाइस आप यहाँ पर क्राउड देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आज 26 जनवरी के लिए। मुंबई में ना भाई एक नंबर डेकोरेशन हुई थी 26 जनवरी की। भाई देखो इधर तिरंगा बनाए, ये साइड बिल्डिंग में ये देखो गाइस बस, डबल वाली बस भाई, जो कि मुंबई में ही चलती है सिर्फ। तेरी मेहनत ही तुझे आगे लेकर जाएंगी, तू वो लेना चाहता जो तूने नहीं देखा। तुझे मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा। मैं जब तक नहीं आ रहा जब तक तेरा भाई खुद से नहीं आ रहा। वन साइड तेरा भाई, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। भाई की रैप एक नंबर है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज है 26 जनवरी, और गाइस मैं अभी सो के उठा हूँ यार। रात में बहुत ज्यादा लेट हो गए थे यार, 5:30 बज जाते हैं गाइस यहाँ पे सोते सोते। अभी जस्ट सो के उठा हूँ और मैंने देखा भाई टाइम गाइस 3 बज रहे हैं अभी। थोड़ा बाहर का माहौल देखते हैं यार अभी कैसा है। धूप वूप निकली है काफी बढ़िया सारी। और गाइज आज है 26 जनवरी, आपको पता है गाइज आज है रिपब्लिक डे। गेटवे ऑफ इंडिया जाना है। आसिफ का बहुत फ़ोन आ रहा है भाई, मैं सोया हुआ था देखा नहीं, तो उसको भी लेंगे, मलाइट में मिलेगा किधर मिलेगा देखते हैं वो। तो गाइज पहले रेडी वेडी हो जाएं यार, नहा धो के उसके बाद में निकलते हैं गाइज फिर गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो गाइज मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ और अब गाइज चलता हूँ, क्योंकि भाई 4 बज गए। गेटवे इंडिया यहाँ से ऑलमोस्ट 40 या 45 किलोमीटर दूर है, मुझे लोकल पकड़ के जाना है, चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। तो गाइस मैं रूम से निकल चुका हूँ और भाई फटाफट 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 वो लिफ्ट दोनों ऊपर नीचे हैं, तो इसको उठाओ पहले, इसको खुल जा सिम सिम और बंद हो जल्दी से। तो गाइस मैं बिल्डिंग से निकल चुका हूँ, मुजम्मिल वगैरह तो सब मरीन ड्राइव पे गए हैं। फटाफट यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, फिर वहाँ से देखो लोकल वोकल पकड़ के उसके बाद निकल जाऊँगा मैं भी। गाइस बिल्डिंग के नीचे जो है हमारे ऑटो स्टैंड है, ये सामने ऑटो खड़े हैं, अब यही पकड़ के जा रहा है पहले लोकल। गाइज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरे 2 घंटे हो गए। 4 बजे निकला था मैं, 6:15 हो गए, 2 घंटे में पहुँचा हूँ लोकल से। मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव पे और गेटवे ऑफ इंडिया पे जाएंगे थोड़ी बाद देर में। देखो भाई मिल गया ये कड़ा, गाइज कड़ा है पहले से यहाँ पे। भाई अभी तक आसिफ नहीं आया, हम लोग तो सब यहाँ पे आ गए मरीन ड्राइव पे, लेकिन आसिफ नहीं आया। आएगा नहीं आएगा वो भी पता नहीं उसका कुछ, क्या आएगा भी या नहीं आएगा। गाइज मैं फाइनली मरीन ड्राइव पे आ चुका हूँ और देख सकते हैं आप चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। गाइज आज इतनी भीड़ है क्योंकि 26 जनवरी है और मरीन ड्राइव पे तो आपको पता है गाइज वैसी भी बेसाब भीड़ रहती है, क्योंकि गाइज यही है मुंबई की मरीन ड्राइव, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। रैप करूं स्लो और किक पंच करूं फास्ट, जब तुम छोटे हो जब मैं रनिंग करके कराटे की प्रैक्टिस करता, ट्रेन आएंगी जाएंगी लड़की आएंगी जाएंगी पैसा आएगा जाएगा, ये शरीर एक बार चले गया मालूम है ना क्या बोलने वाला हूँ। स्वस्थ रहेगा फिट रहेगा तभी तू हिट रहेगा। जो लोग बोलते मेरे पास टाइम है उनके लिए मेरे पास एक लाइन, बीमार होने वाले ऐसे टाइम ही टाइम है। लोग बोलते मुझे रैपर बिना नशा करे रहता नहीं, मैंने बोला मेरे भाई मेहनत कर नशा मेरे सर पे सवार, मेहनत से तेरे हाथ की लकीर मिट जाएंगी, तेरी मेहनत ही तुझे आगे लेकर जाएंगी। तू वो लेना चाहता जो तूने नहीं देखा, तुझे मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा। बिना मेहनत करे खिलाता नहीं खाना, ना सिगरेट ना गांजा ना दारू, डाइट में दूध चने कराटे का शौकीन, मोर से खेलना मेरी आदत, अंडरटेकर के साथ फाइट खेलना मेरा जुनून, आने दे ब्रूस ली को आने दे जैकी चैन को, मैं जब तक नहीं हारा जब तक तेरा भाई खुद से नहीं हारा। वन साइड तेरा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, गुड ब्रो, भाई की रैप एक नंबर है भाई। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइज अभी थोड़ी रात हो चुकी है और रात का भी आप व्यू देख सकते हैं गाइज, एकदम सो अमेजिंग व्यू है गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत सुकून की जगह है गाइज। मुंबई में आपको हर जगह क्राउड मिलेगा, भीड़ मिलेगी, लेकिन एक मरीन ड्राइव ही सबसे ज़्यादा सुकून की जगह है, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, कपल्स अपने फ्रेंडों के साथ, और यहाँ पे फुल इंजॉय करते हैं, बैठ के मज़े लेते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ गाइज गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि थोड़ी दूर पे है यहाँ से। गाइस मुंबई में ना भाई एक नंबर डेकोरेशन हुई थी 26 जनवरी की। भाई देखो इधर तिरंगा बनाए, ये साइड बिल्डिंग में, उसके पीछे बिल्डिंग में,
बहुत सारे लोग इधर उधर फोटो शूट करा रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग हो रही है। तो अब मैं फटाफट चलता हूँ भाई गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। तो सो गाइज, मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने ही है एक अमेजिंग सा होटल जिसका नाम है गाइज ताज होटल, जो कि 5 स्टार इंडिया का पहला 5 स्टार होटल है ये ताज होटल। और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं गाइज, बहुत ही ज्यादा क्राउड है आज, इतना क्राउड है ना, बहुत सारा क्राउड है, क्योंकि सारे के सारे लोग गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज होटल आए हैं 26 जनवरी। और गाइज आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग व्यू है नाइट का भी, और गाइज इतनी भीड़ है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, गाइज इतनी भीड़ है ना भाई बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा था कि मरीन ड्राइव पे भीड़ बहुत ज्यादा है, इधर कम होगी, लेकिन इधर उससे भी ज्यादा है गाइस। गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर तो एंट्री नहीं है, लोग इधर ही घूम रहे हैं बस, ताज होटल की साइड में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं भाई, इधर ही फोटोज वगैरह खींच रहे हैं। अंदर तो गाइस उनकी एंट्री नहीं है भाई उस साइड में, तो अभी और थोड़ी बात देर घूमेंगे, क्योंकि गाइस गर्दी बहुत है, जब भी आपको दिखा रहा हूँ गाइज। अभी मैं वाली साइड पे आ गया जिस साइड में ताज होटल है, सामने वाली साइड में तो इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है, उधर नारे वारे क्या क्या लगे लग रहा है, तुम कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। लेकिन इस साइड में थोड़ी कम भीड़ है, इस साइड में कम गर्दी है, क्योंकि इधर रोड चल रहा है, इधर पुलिस वाले खड़े होने नहीं दे रहे। और गाइज ये है ताज होटल, और गेटवे ऑफ इंडिया तो बंद कर दिया भाई, अभी बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो गाइज अभी इधर से जा रहा हूँ, अब और किसी दिन आऊँगा, दिन में दिखाऊँगा आप लोगों को, बट अभी तो मैं इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें ना करें, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज अभी इस टाइम पे, आवाज़ भी नहीं आ रही, शोर शराबा बहुत हो रहा है यार। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है गाइज मुंबई में, अभी मैं जा रहा हूँ चर्च गेट की साइड में, तो गाइज इधर तो कुछ है नहीं, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ है, तो अभी उधर ही निकल रहा हूँ गाइज। एक तो वैसे इतनी भीड़ है, इतना ज्यादा क्राउड है, तो मराठी लोगों का कुछ धरना वगैरह चल रहा है, तो वो नारा लगा रहा है भाई, एक पराठा लाख मराठा। गाइज ये है मेरे पीछे मुंबई हाई कोर्ट, जो मुंबई का हाई कोर्ट है भाई, वो यही है, लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है सब जगह भाई, मस्त मस्त। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ चर्च गेट, ये चर्च गेट लास्ट है गाइज, ये इधर लोकल जो आती है वो लास्ट यहीं तक आती है। गाइज अभी फिर से मैं जो है मरीन ड्राइव पे आ गया, अभी एक दो घंटा यहीं बैठूंगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया, एक तो इधर ट्रैफिक इतना कि टैक्सी भी नहीं कर सकते। गाइज इस टाइम यहाँ पे क्राउड कम हुआ है, 9 बज गए, 7 बजे के टाइम में तो इतनी भीड़ थी बहुत ही ज्यादा, लेकिन अभी क्राउड कम हो गया, देखो अभी ज्यादा पब्लिक नहीं है इस साइड में भी, और इस साइड में भी ज्यादा पब्लिक नहीं है। मजा तो गाइस बहुत आया, बट यहाँ पे पब्लिक इतनी थी ना, पब्लिक प्लेस में भाई बोलने अगर बोलते भी तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही है, इतना शोर शराबा, रैपर आए हुए, सिंगर आए हुए, जगह जगह मस्ती मजाक चल रही है, क्या बोलता था मैं, लेकिन जब भी मजा आया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, रूम पर पहुंचते पहुंचते 11:12 तो लगभग बज ही जाएंगे गाइस। अब मरीन ड्राइव में किसी दिन सुबह में आएंगे, अब चल रहे हैं गाइस रूम के लिए, बहुत थक गए आज के लिए। ये देखो गाइस बस, डबल वाली बस भाई, जो कि बम्बई में ही चलती है, सिर्फ बम्बई में चलती है, और भी कहीं चलती होगी पता नहीं, लेकिन मैंने तो बम्बई में देखी है बस अभी तक। गाइस अभी मैं आ गया मरीन लाइन, और मेरे आते के साथ ही गाइस ट्रेन भी आ गई भाई लोकल, अभी इसको ही पकड़ के हम निकलेंगे। मैं जा तो गया मैं वापसी बिल्डिंग में, गाइस कितने भी जल्दी कर लो ना, कम से कम 12-1 तो बजे जाते हैं गाइस, 12:30 हो गए, कितनी देर का निकला हुआ हूँ मैं। और गाइस अगर टैक्सी से आओगे ना तो आपकी और हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए गाइस लोकल बेस्ट है, आपको जल्दी की जल्दी पहुँचा देगी, क्योंकि टैक्सी से आएंगे तो आप आधे घंटे के रास्ते में 2-2.5 घंटे आपके गए, इसलिए गाइस मुंबई आओ लोकल में बैठो, थोड़ी भीड़ तो होती है, धक्के बक्के खाओ, लेकिन मज़ा आता है गाइस लोकल में। मजे ही मजे हैं भाई, अकेले ही घूम रहा था गाइस आज में, कोई भी नहीं था भाई साथ में, जब मैं गोवा अकेले घूम सकता हूँ तो यहाँ पे भी अकेले घूम सकता हूँ भाई। गाइस इस वक्त मैं ना लिफ्ट में जा रहा था, लिफ्ट में जाते जाते ही मेरा फोन बंद हो गया यार, बैटरी उसकी खत्म ही हो गई थी भाई, बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर अभी देखो 3:11 हो रहे हैं, मतलब अभी 3 बजे खाना खाया मैंने रात का, खाना वाना खा के तो मैंने कहा भाई थोड़ी बात देर टहल लूं, तो अभी इधर ही एक राउंड मार के आया, फिर इधर बिल्डिंग के नीचे बैठ गया, यही बिल्डिंग है अपनी, तो अभी इधर ही बैठा हूँ आराम से, गाने वाने सुन रहा हूँ, और कुछ वीडियो भी यार सेफ नहीं हो रही है ब्लॉग अपलोड करने का है मुझे। गाइस बिल्डिंग में सुकून बहुत है भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, एकदम मस्त कट रही है, यहाँ पे शाम में खेलने बेलने के लिए भी आ जाता हूँ मैं, और भी बहुत बढ़िया है गाइस।
और गाइस लोकल में तो भाई बहुत मजा आ रहा है, लोकल में ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि गाइस लोकल में भीड़ इतनी होती है, फोन निकालने की जगह नहीं होती है, तो ब्लॉग कहाँ से बनेगा। लेकिन गाइस लोकल बेस्ट है यार। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।